मशरकी हवा बादलों को ऊपर की तरफ ले जाती है, शुमाली हवा बादलों के टुकड़ों को यकजा करती है, जनूबी हवा बादलों को टपकने के काबिल बनाती है, और मगरबी हवा अतरात को बारिश में तब्दील करके जमीन को सैराब करती है। बाज लोग तवक्कल के मायने ये लेते हैं कि हुसूल मुआश की कोशिश और तदबीर ना करें, मगर ये ख्याल जाहिलों का है, क्योंकि शरीयत में सरासर हराम है। आकिल वो है जो अपने आप को मलामत करे और अल्लाह करीम की इबादत व अताअत में मशगूल रहे। अहमक वो है कि वो नफ्स परस्त हो और अल्लाह करीम से गाफिल हो। जो शख्स महज जन्नत का लुत्फ उठाने के लिए इबादत करे वो साहिब गर्ज है। वक्त की हिफाजत का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर वक्त के लिए एक खास काम मखसूस हो और उसके खिलाफ ना हो। रात सोने से पहले तमाम दिन के अफआल पर गौर करो, नरम गुफ्तारी इख्तियार करो, क्योंकि नरम गुफ्तारी से तुम लोगों पर अच्छा असर डाल सकते हो। निकाह में ताखीर जना का सबब बनता है और इसका अजाब वालिदैन पर होता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अगर कोई औरत अपनी बारी दूसरी बीवी को दे दे और शौहर भी उस पर रजामंद हो तो दूसरी बीवी का हक साबित हो जाता है। अगर मियां बीवी में इख्तलाफ पैदा हो जाए और इत्तेफाक की सूरत बाकी ना रहे तो खुदा तरस लोगों को इस्लाह हाल की कोशिश करनी चाहिए।